हाय, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पाइनएप्पल की बहुत सारी रेसिपीज खाई होगी, जैसे पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल पेस्ट्रीज, पाइनएप्पल जूस पिया होगा। पर आज हम पाइनएप्पल की एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी लगती है। आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पाइनएप्पल लड्डू बनाने के लिए हमने 4 से 5 पाइनएप्पल की स्लाइसेस ली हैं। फिर हमने एक ग्राइंडिंग जार लिया है और उसमें पाइनएप्पल की पीसेस को हमने कट करके डाल दिया है। इसे हम ग्राइंड करेंगे। आप ध्यान रखिए, इसमें पानी मिक्स नहीं करना है। ये देखिए, हमने पाइनएप्पल की प्यूरी तैयार कर ली है। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम आधा टेबल स्पून घी को गर्म करेंगे और इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 1 कटोरी डेजिकेटेड कोकोनट। जो नारियल का बुरादा होता है वो हमने इसमें मिक्स किया है और बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर हम सेकेंगे। हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट तक इसे सेकना है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हिलाते रहें, बीच में रुकना नहीं है आपको। आप देख सकते हैं कोकोनट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे पाइनएप्पल प्यूरी। हम इसे करछी की हेल्प से अच्छी तरह हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। इस समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक सकता है। देखिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें मिलाएंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप 1/4 कप दूध मिला सकते हैं और उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी मिला सकते हैं। चीनी की क्वांटिटी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम किसी करछी की हेल्प से इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। आपको लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे हिलाना है। देखिए, इसी तरह आप हिलाते रहें। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 से 3 बूंद येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फूड कलर डालने से कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो बस इसी तरह आप हिलाते रहें। तो बिल्कुल रेडी है, घी छूटने लग गया है, तो इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लिया है। हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, आप इस बात का ध्यान दें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। हमने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लिया है और इसे रोल करना है अपने दोनों हाथों की हेल्प से। देखिए इसी तरह, और लड्डू का शेप देना है, बिल्कुल इसी तरह रोल करें। और फिर इसे हम कोट करेंगे डेजिकेटेड कोकोनट से, नारियल के बुरादे से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोट करें, नहीं तो सिंपल आप लड्डू सर्व कर सकते हैं। देखिए इसी तरह हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब इसकी गार्निशिंग हम पिस्ते से करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ ले सकते हैं, या आप चाहें तो स्किप करके आप ऐसे ही लड्डू को सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी है हमारे डेलीशियस पाइनएप्पल लड्डू। बहुत ही रिच लुक दे रहे हैं, कलर और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।